Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook knowledge 3 and our today's topic is unit 7 animal kingdom. And in this unit we have three chapters: water animals, beautiful bird, and the third chapter is body parts of different animals. What does animal kingdom means? Animal kingdom means an empire of animals. Animals have different categories, just like wild animals, domestic animals, and water animals, as well as birds, insects comes in animal kingdom. And today, in this chapter or in this unit, we will study about water animals and birds and the different part of animals. Right, students? यह हमारी सामान्य ज्ञान की पुस्तक नॉलेज ट्री है और आज का जो हमारा यूनिट है वो है एनिमल किंगडम का. एनिमल किंगडम यानी कि जानवरों का साम्राज्य. अब जानवर की कैटेगरी में पानी के जानवर, जंगली जानवर, पालतू जानवर और यहाँ तक कि पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी आते हैं. जानवरों का साम्राज्य बहुत बड़ा है और मनुष्यों से पहले भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते थे. आज के हमारे इस यूनिट में हम तीन चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एक तो पानी के जानवरों के बारे में, खूबसूरत पक्षियों के बारे में और साथ ही साथ अलग अलग जो पार्ट होते हैं एनिमल्स के उनके बारे में. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक एनिमल किंगडम, जानवरों का साम्राज्य. एनिमल किंगडम एंड द फर्स्ट चैप्टर इज वाटर एनिमल्स. वाटर यानी पानी के, एनिमल्स मतलब जानवर. राइट द नेम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. वो कहता है हमें लिखना है, राइट लिखना मतलब लिखना है द नेम ऑफ द एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब होता है जलीय. जलीय मतलब पानी में रहने वाले या पानी के. एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जानवर. जलीय जानवर, पानी में रहने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं. इन द स्पेस, स्पेस मतलब जगह, जो जगह हमारे को मिली है. प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध कराई गई है या दी गई है, उसे बोलते हैं प्रोवाइडेड. तो जो जगह हमें दी गई है उस जगह पर हमें पानी के जानवरों के नाम लिखने हैं. विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, किसके मदद से? विद द हेल्प मतलब मदद से, ऑफ वर्ड्स शब्दों की मदद से. फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, कहाँ से? हेल्प बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनकी मदद से हमें इन जानवरों के नाम दी हुई जगह पर या उपलब्ध कराई हुई जगह पर इनके नाम लिखने हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो अब वो देखते हैं. सबसे पहले वाला जो एक्वेटिक एनिमल है या वाटर एनिमल है वो कौन है? वेरी गुड, डॉल्फिन. उससे पहले हम यहाँ पर इनको जो हेल्प बॉक्स में नाम दिए गए हैं पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं. स्टारफिश, ऑक्टोपस, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, क्रैब, सील, गोल्डफिश. स्टारफिश एक तरह की फिश है जो स्टार की तरह दिखाई देती है. ऑक्टोपस भी एक तरह की फिश कह सकते हैं जिसकी 8 legs या 8 arms होती हैं. शार्क एक बड़ी खतरनाक मछली है. व्हेल पानी में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मछली, और अगर ये कहूँ कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर भी ये है तो शायद कुछ गलत नहीं होगा. डॉल्फिन एक प्रकार की मछली है जो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार है जिसका, जो बहुत फ्रेंडली है ह्यूमन के साथ, इंसानों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है. क्रैब, क्रैब बोलते हैं केकड़े को. सील एक प्रकार की ये भी मछली है जो कि लगभग बिल्ली की तरह दिखाई, या ऊद बिलाऊ जिसे बोलते हैं, बिल्ली की तरह दिखाई देती है. और गोल्ड फिश, गोल्ड फिश मतलब गोल्ड की तरह दिखने वाली फिश, सोने की तरह सुनहरी मछली. तो अब हमें इस हेल्प बॉक्स की मदद से ये नाम यहाँ पर लिखना है. सबसे पहले जो फिश है हम उसे पहचानते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छी दोस्त है ह्यूमन की. तो इसका नाम है वेरी गुड, डॉल्फिन. दिस वन इज, ये फिश है व्हेल. राइट स्टूडेंट्स,
दिस इज, इसकी शेप स्टार की तरह है, तो डेफिनेटली कौन सी फिश हो जाएगी? स्टार फिश, राइट? हूज दिस? फोर्थ शार्क. शार्क की आप शेप देख लो, ऐसे कई बार इसके हमारे को जो मुंह है यहां से हमारे को उसके दांत भी दिखाई देते हैं. ये शार्क की शेप है, इससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शार्क ऐसी होती है. शार्क और व्हेल में आपको थोड़ा बहुत कभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर देखेंगे तो व्हेल का जो मुंह है वो आगे की तरफ दोनों का ऐसे है, जैसे डॉल्फिन का भी आप देख सकते हैं, जबकि शार्क का जो है नोज आगे है और मुंह जो है उसका थोड़े से नी पीछे की तरफ है. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दिस इज एट आर्म्स है, इसकी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया? ऑक्टोपस. वेरी गुड. सिक्स नंबर पे देखिए कैसी है, सुनहरी मछली है, गोल्डन फिश, राइट? एंड दिस इज जस्ट लाइक अ कैट, राइट? तो दिस इज वेरी गुड. विच इज दिस? दिस इज सील, ठीक है ना? एंड दिस वन इज क्रैब. क्रैब मीन्स केकड़ा, राइट स्टूडेंट्स? तो दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स और वाटर एनिमल्स, राइट? और एकदम इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, स्टारफिश हैव 8 आईज, 1 एट द एंड ऑफ ईच लेग. अब ये जो स्टारफिश है हमारी, इसकी 8 आईज होती हैं. कितनी आईज होती हैं? 8 आईज होती हैं, और कहां होती हैं? हर एक लेग पे, सिरे पर इसकी आंखें होती हैं, राइट? तो ये भी एक आश्चर्य की बात है. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच एक्वेटिक एनिमल हैज 8 आईज, तो क्या क्वेश्चन होगा? स्टार, इसका आंसर क्या होगा? स्टार फिश. आफ्टर द एनिमल्स नाउ इट्स अ टाइम टू रीड अबाउट द ब्यूटीफुल बर्ड्स. जानवरों के बाद अब समय है खूबसूरत पक्षियों के बारे में जानने का. द बर्ड्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ. जो बर्ड्स हैं, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, क्रिएचर मतलब जीव, क्रिएचर मीन्स जीव या आकृति, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे खूबसूरत जीव है पक्षी. देयर मोस्ट स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट इज फ्लाइंग. देयर मोस्ट, उनका सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर मतलब जबरदस्त अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स क्या है? उपलब्धि. उपलब्धि क्या होती है? कि उन्होंने, उन्हें क्या उन्होंने किया है, उनका सबसे जबरदस्त किया हुआ काम क्या है? इज फ्लाइंग, कि वो उड़ सकती हैं, वो उड़ती हैं, ये उनका सबसे जबरदस्त अचीवमेंट, उपलब्धि है या उनका हुनर है, राइट? अब वो कहता है रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम ऑफ बर्ड इन द बॉक्स. वो कहता है रीड द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मीन्स विस्तृत जानकारी या वर्णन. रीड द डिस्क्रिप्शन, जो नीचे कुछ दिया गया है, वर्णन किया गया है, उसको पढ़िए. एंड राइट द नेम, और लिखिए नेम्स. नेम्स मतलब नाम ऑफ द बर्ड इन द बॉक्स, और उस बॉक्स का नाम इसको पढ़कर, यानी कि एक क्लू दिया हुआ, एक तरह का सुराग है, उसे पढ़िए सर, समझने के बाद इसका नाम यहां पर लिखिए. जैसे कहता है आई एम नोन एज द किंग ऑफ बर्ड्स, मुझे बर्ड्स का राजा कहा जाता है. बिकॉज ऑफ माई गुड लुक्स एंड साइज, क्यों कहा जाता है? गुड लुक्स मतलब मैं क्योंकि सुंदर दिखता हूं और मेरा साइज भी अच्छा है, इसलिए मुझे पक्षियों का राजा कहते हैं. तो कौन है पक्षियों का राजा? वेरी गुड. ये कैसा दिख रहा है? ईगल, राइट? तो ये कौन है पक्षियों का राजा? कौन है? ईगल, राइट? एंड द नेक्स्ट इज आई एम नेम्ड आफ्टर द वे आई सिंग. कू कू. I lay my egg in the nest of other birds who hatches them. वो कहता कि मेरा जो नाम है, आप मेरा जो नाम है वो जिस तरीके से मैं गाती हूँ उससे अपने आप पता चल जाता है, कू कू. और मैं जो हूँ, अंडे, ले माने होता है देना, my eggs, मेरे अंडे, in the nest of other bird, मैं दूसरे पक्षी के घोंसले में अपने अंडे देती हूँ, और जो उनको फिर अंडों को सेता है और उसमें से बच्चे निकालता है. मतलब मैं अंडे देने के बाद दूसरे के घोंसले में अंडे देती हूँ और मैं उन अंडों की देखभाल नहीं करती, कोई दूसरा ही मेरे अंडों की देखभाल करता है. ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है. वो बर्ड का नाम क्या है? वेरी गुड. उसको कुकू बोलते हैं, या हमारी भाषा में उसे कोयल बोलते हैं, राइट? कोयल बोलती है ना कू कू, और उसका नाम ही है कुहू.
उसका नाम है कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू, कुक्कू, राइट। तो अभी कौन है, कोयल है, जो कि बहुत सुंदर गाती है, लेकिन अपने अंडे दूसरे जानवर के, दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देती है। थर्ड वन इज आई लव टू ईट फिश एंड कैच देम इजिली विद द हेल्प ऑफ माई लॉन्ग बीक। बीक माने होता है चोंच। कहते हैं मुझे पसंद है मछलियां खाना, मुझे मछलियां खाना बहुत पसंद है, मैं उन्हें बड़े आसानी से पकड़ लेता हूँ। इजिली मतलब आसानी से, कैच माने पकड़ लेना, देम माने उनको, विद द हेल्प ऑफ माई लॉन्ग बीक, मैं अपनी लंबी चोंच से उन्हें आसानी से पकड़ लेता हूँ। कौन है ये? दिस इज कॉल्ड किंग फिशर, KINGFISHER, फिशर, राइट। नेक्स्ट वन इज आई इमिटेट द वॉइस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आई कैन फ्लाई स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, प्लीज डोंट कीप मी इन अ केज, आई लव टू फ्लाई। वो कहता है कि आई इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना, इमिटेट मीन्स नकल करना, मैं नकल करता हूं द वॉइस, आवाज की, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स बोलते हैं इंसानों की, मैं इंसानों की आवाज की नकल कर सकता हूं। आई कैन फ्लाई स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत अच्छा या बहुत मजबूती से उड़ता हूं, मतलब मैं बहुत दूर तक उड़ सकता हूं, एंड लॉन्ग मैं बहुत लॉन्ग, बहुत लंबा और दूर तक लगातार उड़ सकता हूं। कहता प्लीज डोंट कीप मी इन अ केज, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कृपया मुझे पिंजरे में ना बंद करें, आई लव टू फ्लाई, मुझे उड़ना पसंद है। कौन है ये जो हमारी आवाज निकाल लेता है और देख के भी पता चल रहा है? वेरी गुड, पैरट। उसके बाद नेक्स्ट है, देख के पता चल जाएगा, आप लिख देंगे लेकिन फिर भी उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि ये कौन है, उसकी फोटो नहीं होगी और आपको सिर्फ ये लिखा हुआ होगा और आपको उसका आंसर करना होगा। आई हैव वेरी राउंड लार्ज आईज एंड कैन सी इन द डार्क एंड अपीयर्स टू स्लीप इन द डे लाइट। वो कहता है आई हैव लॉन्ग राउंड, मेरे पास वेरी बहुत राउंड लार्ज आईज हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, और आई कैन सी इन द डार्क, और मैं अंधेरे में भी देख सकता हूं, एंड अपीयर्स और मुझे ऐसा लगता है, टू स्लीप इन द डे लाइट, और मैं सूर्य की रोशनी में, दिन की रोशनी में भी सो सकता हूं, सोता हूं। वो कहता है कौन है भाई वो जिसकी बड़ी बड़ी सी आंखें हैं और जो रात को देख सकता है, दैट इज ओल, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट बर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज विद माई लॉन्ग बीक आई पैक होल्स इन ट्री ट्रंक्स टू लुक फॉर द इंसेक्ट टू ईट। वो कहता है कि विद माई लॉन्ग बीक, मेरी लंबी चोंच की वजह से, आई पिक होल्स, मैं छेद कर सकता हूं इन ट्री ट्रंक्स, मैं ट्री पेड़ों की, ट्रंक माने होता है तना, हम मैं पेड़ के तने पर छेद कर सकता हूं, तो लुक फॉर इंसेक्ट्स, क्या देखने के लिए, कीड़े मकोड़े देखने के लिए, और क्यों देखना है कीड़े मकोड़े, टू ईट, खाने के लिए। तो कहता है कि मैं अपनी लंबी चोंच की मदद से पेड़ों पर छेद कर कीड़े मकोड़े खाने के लिए ढूंढ सकता हूं। तो उसका नाम क्या है, अब देखो, WOOD, वुड, पी पैकर, ECKER, वुड पैक, राइट। तो सिक्स वन इज वुड पैकर, एंड द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स वी हैव डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट नेम्स, सिमिलरली द एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, राइट। नाउ लेट्स कम टू नो दीज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक इंसानों की तरह जानवरों के भी अलग अलग पार्ट अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन से जानवर के नाम के किस हिस्से को क्या कहते हैं, राइट। अब डिफरेंट वेरी बॉडी पार्ट्स, राइट। नाउ लेट्स कम टू नो दीज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक इंसानों की तरह जानवरों के भी अलग अलग पार्ट अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन से जानवर के नाम के किस हिस्से को क्या कहते हैं, राइट। अब द बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल्स, अ पिक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ एन एनिमल हैज बीन गिवन इन अ बॉक्स, आइडेंटिफाई दीज बॉडी पार्ट्स एंड राइट देयर नेम विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। वो कहता है कि इस पिक्चरों में
अ पिक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, एक पिक्चर बॉडी पार्ट की ऑफ एन एनिमल, एक जानवर के एक भाग की जो पिक्चर है वो दी गई है बॉक्स के अंदर. आइडेंटिफाई दीज बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट्स को पहचानो एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम को लिखो विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उस हेल्प बॉक्स की मदद से उसके उस नाम को पहचानो. कौन कौन से नाम दिए गए हैं देखिए. सबसे पहला दिया गया ट्रंक. ट्रंक माने होता है सूंड. टेल, टेल माने पूंछ. विंग्स, विंग्स माने होता है पंख. बीक, बीक माने चोंच. हॉर्न, हॉर्न मीन्स होता है सींग. हम्प, हम्प माने होता है कुबड़. शेल, शेल माने होता है बाहर का खोल. स्केल्स, स्केल्स मीन्स होता है जो मछलियों के बाहर का जो स्किन होती है, जो नाखूनों की जैसे है ना, जो शाइन भी करती है चमकीली सी, उसे बोलते हैं स्केल्स. राइट एंड लास्ट में है हूव्स. हूव्स बोलते हैं खुर. हूव्स बोलते हैं खुरों को. खुर मतलब जो जैसे हमारे नेल्स होते हैं, है ना, ऐसे ही जानवरों के, जैसे गाय है या क्या कहते हैं बफेलो है, उनके क्या होते हैं खुर, उन्हें बोलते हैं हूव्स. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड वी हैव टू टेल द नेम ऑफ दिस पार्ट. दिस इज लॉयन. लॉयंस, लॉयन के अब किस पार्ट को बताना है, देखिए उन्होंने छोटे से बॉक्स में यहाँ पर बना रखा है. ये क्या है, टेल. वेरी गुड. दिस इज हॉर्स, एंड हॉर्स के ये जो बॉक्स में दिखा रखा है, दिस इज कॉल्ड हूव्स, खुर. राइट, नेक्स्ट फिश. फिश के ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं स्केल, जो चमकीला चमकीला है, ये इसके बाहर के बॉडी के प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. नेक्स्ट स्नेल्स. स्नेल्स का क्या है, ये जो चीज पूछ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल. राइट, दिस इज कैमल्स. कैमल्स के ऊपर जो एक ऊबड़ सा है, इसे क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड हम्प. नेक्स्ट वन, दिस इज पैरट. पैरट की ये जो है रेड रेड क्या है, वेरी गुड, बीक. नेक्स्ट एलिफेंट. एलिफेंट की ये जो क्या है, वेरी गुड, इसे क्या बोलते हैं, सूंड, ट्रंक. एंड दिस इज राइनो. राइनोस, राइनो इसका क्या है, ये जो आगे से निकला है, ये क्या है, सींग, हॉर्न. एंड नेक्स्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का ये क्या है, सुंदर से, वेरी गुड, क्या बोलेंगे हम इसको, वेरी गुड, विंग्स. क्या है ये, विंग्स. नाउ डू यू नो दैट द हम्प ऑफ अ वेल फेड एंड हेल्दी केमिकल मे वेट 35 किलोग्राम्स एंड मोर. वो कहता है कि जो हम्प है किसका, एक वेल फेड एंड हेल्दी, एक अच्छे खाने वाले, और जिसे अच्छा खाना मिलता हो, और साथ ही साथ क्या है, वो हेल्दी हो, जो स्वस्थ हो, ऐसे कैमल का जो वेट होता है वो 35 किलोग्राम्स तक उस हम्प का और या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. यानी कि जो कैमल का ये हम्प है ना, हम्प, अगर जो ये कुबड़ है, अगर वो अच्छा खाता पीता कैमल है और वो हेल्दी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो सिर्फ इस हम्प हम्प का वजन ही 35 केजी से ज़्यादा भी हो सकता है. बताइए, है ना. सम एनिमल्स ऑफ द डियर फैमिली हैव branched horn on their heads called antlers. Right? कहता कुछ animals हैं जो deer family के हैं, उनके भी branches horn, उनके भी सींग्स होते हैं, उनके अलग अलग, उस सींग के भी आगे अलग अलग काफी सारे सींग निकल रखे होते हैं. On their heads called antlers, उन्हें हम antlers कहते हैं, जो एक सींग के साथ ही और दूसरे दूसरे सींग्स भी निकले होते हैं. जैसे कि बारहसिंगा, बारहसिंगा को आप देखेंगे तो, या हिरण के भी सींग देखेंगे आप, तो क्या होता है, वो एक सींग, उसमें से दूसरा, फिर तीसरा, ब्रांचेस अलग अलग से निकली हुई होती हैं. कह रहा है ना, वो ब्रांच्ड हॉर्न, तो उनके कैसे हैं, साथ ही साथ अलग अलग ब्रांचेस भी निकली होती हैं हॉर्न के, उनके सरों में, उसे बोलते हैं एंटलर्स, उन्हें एंटलर्स कहते हैं. Right, so this is Ari. That is all in this unit, Animal Kingdom. And in this chapter, we studied about the different type of aquatic animals, different type of birds, and the different body parts of the animals. I hope you come to understand this unit properly. It's all for the today. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.